प्रदीप शर्मा जी सारे इतने पहुंचे ने सब मुझे जिले की टीम पहुंची है उनका भी स्वागत करता मैं अज का जरा है अज असी जरा धरना दे रश्मी शर्मा जी से जो सोमवार को कातलाना हमला किया गया उसकी असी पुरजोर निंदा करते हैं अपना जरा प्रदर्शन करिए कांग्रेस पार्टी आ चाहे अकाली दल आ जब उन्होंने देखा कि साड़ी जमीन पैरों तो उतरिया और बीजेपी की जोड़ी मानता पंजाब बढ़ रही है जिसके बदलाट हेट कामनी भी करनी है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग वालों जिला पटियाला साढ़े पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रधान श्रीमान श्री अश्विनी शर्मा जी के उत्ते जड़ा परसों चौथे कातलाना हमला होया सी उदे खिलाफ पूरे पंजाब दे विच रोष प्रगट किया गया है। कल भारतीय जनता पार्टी का धरना सी अज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यूथ विंग ने धरना लगाया बहुत अफसोस नाल कहना पैंदा राष्ट्रीय पार्टी के प्रधान अश्विनी शर्मा जी के उत्ते जड़ा एक कातलाना हमला होया असी इहदी इंक्वायरी मंगी सी पर बड़ा मंदभागा सब पता लग्या जब रवनीत बिट्टू जी ने जोड़े मैंबर पार्लियामेंट होके खुद अज मैंने पंजाब केसरी अखबार पढ़िया कल दे अपने लिविंग इंडिया चैनल से देखा उन्हें कहने मैंने खुद जिम्मेवारी लीती है मैंने किया जो मेरा कर लो सो मैं बेनती करता सीएम सरकार कांग्रेस सरकार उन्होंने वादा किया जे कोई साडा बंदा भी दोषी पाया गया उन्हें सज़ा मिलेगी रवनीत बिट्टू जी ने पार्लियामेंट तो अस्तीफा दे के घर बहना चाहिए और यह जे गुंडा अंसरों को बढ़ावा देना और अपने सिर पर जिम्मेवारी लेना बहुत बड़ा जंगनी अपराध है। सो जे सानू भारतीय जनता पार्टी नू पंजाब दे विच इस कातलाना हमला प्रधान जी ते होया है इंसाफ नहीं मिलेगा तो इदा ही ये धरने जारी रहने पहला तो माफ़ी चाहूँगा मैं अपनी मीडिया रविंदर जी जिहड़ा उन्हां नू परेशानी हुई है उन्हां दे अपने जिला दे वल्लों मेरे टीम दे वल्लों जे थानू कोई परेशानी हुई है उहदी मैं माफ़ी भी मंगदा ते अज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे पंजाब दे विच कैप्टन सरकार साढ़े कैप्टन साहब का पुतला साढ़े संगठन के 33 जिले हैं 33 के 33 जिले के विच ये पुतला फूक रहे हैं तो असी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तुसीं देखिया होएगा दो दिन पहला साढ़े भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी उत्ते जो कांग्रेसी वर्करां ने हमला किया है फिर उन्होंने किसानों का रूप किसानों का नाम दिया गया है असी इस करके ये रोष अपना व्यक्त किया है भी जिहड़ी ये कैप्टन सरकार है यह लॉ एंड इन्हों का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है तो जिहड़ी ये कांग्रेस सरकार है यह हुण पंजाब का माहौल खराब करने ते उतर आई है। ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि जिहड़े लोगों ने हमला किया कांग्रेस दे सी मैं कहा जी तुसीं देखिया होऊंगा कल कांग्रेस दे खुद मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सांसद बिट्टू जी ने जिम्मेवारी ली है भी आ हमला मैं कराया है जे उन्होंने हमला कराया है तो मैं कहता भी कोई पूछण ते गिछण का सवाल ही नहीं रहा है
उन्होंने खुद जिम्मेवारी ली है तो उन्होंने खुद मनिया है भी हाँ असी ने यह कांग्रेस सरकार ने हमला कराया। देखो असी सब तो पहला मैं थोन एक गल कहना चाहूँगा जिनी भी पार्टियां है वह हरेक अपनी अपनी जिम्मेवारी चुकन तो सब तो पहली गल जे कांग्रेस के वर्करा ने हमला किया तो मैं कहना चाहूँगा भी ये सीधा सीधा षडयंत्र कांग्रेस के वर्करा का है कि ना कि कांग्रेस के वर्कर कांग्रेस सरकार ये चिंता है भी भाजपा 2022 दे विच सरकार बनाएगी ये चिंता उन्होंने कहते हैं भी मुख से उन्होंने शकलों से सीधी दिखती है। मैं थोनू कहना चाहूँगा भी जेडे बिट्टू साहब हूटर की गल्ला कर दी हैं उन्होंने पूछो भी उन्होंने नाल जी चार चार पाँच पाँच गड्डिया चल दी हैं वह हूटर मार दें नहीं मार दें उन्होंने पूछना चाहिए भी जी थोड़ी कैप्टन साहब नाल गल्ला गड्डिया चल दिया ने वह हूटर बजदियाँ नहीं बजदियाँ पहली गल तो बिट्टू साहब धक्के ते कहिंदे ने हूटर मार दे हैं टोल प्लाजे ते यह होया है असी किसानों के अगे हूटर मारना वो किसान तो उत्थे बैठे ही नहीं जिथे किसानों का धरना है तो मैं थोनू एक मीडिया के माध्यम से गल कहना चाहवागा भी जिथे भी किसानों का धरना है तो उत्थे पुलिस प्रशासन होंदी है लेकिन उत्थे टोल प्लाजे से जिथे किसानों का धरना उत्थे कोई पुलिस प्रशासन नहीं है ये किथी ना किथी कांग्रेस वर्करा का हमला है जलंधरों पिछे दो गड्डिया चल दी हैं वह उत्थे इतलाह कर दी हैं तो कांग्रेस वाले हमला कर दी हैं इन्हां दे सांसद जिम्मेवारी चुकदी हैं भी ये हमला असी ने किया है तो मैं पूछना भी कि कोई मुद्दा ही नहीं रहा सीधा ही सीधा ये कांग्रेस पार्टी ने भाजपा भाजपा के वादे संगठन 2022 के बनती सरकार देखते हुए यह प्रदर्शन उन्होंने करवाया।